फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है, काफ़ी ज़्यादा सर्दी खांसी हो गया है क्योंकि पानी चेंज हुआ है और बहुत तकलीफ़ हो रही है ऐसे सांस वगैरह लेने में। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की तबीयत ठीक है ना? और रोहित जी को चटनी खाने का मन था तो मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ। अभी बना रही हूँ मैं चटनी, धनिया, आंवला और खूब सारा अदरक। खूब सारा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत। मैं वैसे अदरक बहुत कम यूज़ करती हूँ खाने में। लहसुन, हरी मिर्ची, ये सब डालकर मैं चटनी बना रही हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को, है ना? ये पुदीना भी रखूँगी। तो ये पुदीना जो है मैंने ऐसे डब्बा में करके रखा था, 15 दिन से ये फ्रिज में ही है। और देखिए अभी तक अभी तक ये ताज़ा है। इसमें कुछ पत्तियां हैं जो ख़राब हो गई हैं तो मैं अलग कर ले रही हूँ, एक बार देख ले रही हूँ। देखिए जैसे कि ये वाली है तो ये ख़राब हो गई है तो इसे मैं साइड कर दे रही हूँ। और ये देखिए मैंने हरी मिर्ची कट कर लिया है ऐसे। इसमें लहसुन है, लहसुन का छिलका निकाल दिया है। ये अदरक है और ये आंवला है, तो अभी आंवला कट करके रख लूँगी मैं। अभी अदरक को भी बारीक कट कर लूँगी मैं इस तरीके से। और ये सारे चीज़ें कट करके मैं पहले इनको सेकूँगी थोड़ा सा तवे पे। ये सब हो गया, अब आंवला की बारी है। इस तरीके से कट कर ले रही हूँ और इस तरीके से मैंने कट कर लिया है, ठीक है। और ये वाला चॉपिंग पैड मुझे बहुत पसंद है। इसमें क्या है कि आप कट करो और इधर ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो इसमें से जो भी एक्सेस वाटर है वो रिमूव हो जाएगा। और तवा मैंने चढ़ा दिया गैस पे गरम होने के लिए। तो जैसे ही गरम होगा तो मैं ये सारी जो चीज़ें कट की हैं, ये देखिए, ये सब इसमें थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। ये तवा गरम हो गया है, अब सारी चीज़ें डाल देती हूँ, एक एक करके करूँगी। और जो है तवा पे ये सब चीज़ें डाल दी हैं और आप ये सोचोगे कि इसे क्या हो गया है, तो एक्चुअली एक बार मैं पूरी तल रही थी और लोहे की कढ़ाई में मैंने गलती से ये वाला जो है यूज़ कर लिया था पूरी निकालने के लिए। तो ये देखिए इसके नए नक्श जो है वो चेंज हो गया, इसका शेप ही चेंज हो गया है। तो आप कभी भी ऐसी गलती ना करें, ठीक है। और ये देखिए रोस्ट हो रहा है। अब मैंने इसमें डाला है धनिया पत्ता, ठीक है, और कम कर दिया है इसे भी रोस्ट करने में। मैंने इस साइड कर दिया आंवला। आप चाहो तो कच्चा धनिया भी पीस सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इससे क्या होता है, एक सौंधापन का टेस्ट आ जाता है चटनी में, हरियाली वाला टेस्ट नहीं आता है। जैसे धनिया कोथिंबीर या धनिया का पत्ता जो है हरा भरा ग्रीन है ना, तो उसका एक अलग टेस्ट आता है। और अगर आप उसको सेक देते हो तो उसका सौंधापन आ जाता है, फिर बहुत टेस्टी लगता है। तो आप दोनों ही तरीके से चटनी पी सकते हो। इसका अब एक्सेस ऑयल भी धनिया के पत्ते का एक्सेस वाटर भी निकल गया है और थोड़ा सा ये रोस्ट हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी पुदीना। ये देखिए, जब तवा पे रखा था तो मैंने मैंने धनिया को तवा पे रखा था तो काफ़ी मतलब जगह कंज्यूम कर रहा था। और अभी देखिए इसका पूरा पानी निकल गया है तो कुछ ऐसा हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पुदीना। अब मैंने इसमें पुदीना भी डाल दिया है और फ्लेम थोड़ा सा तेज कर देती हूँ ताकि जल्दी हो जाए। और आप सोच रहे होंगे इतना सारा चटनी क्यों, क्योंकि ये वाला जो चटनी तैयार होगा तो आप उसे डब्बे में स्टोर कर सकते हैं और एक महीने तक ये चटनी ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, इसका टेस्ट वैसा ही रहेगा। तो आप भी बनाइए अपने घर में और बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये वाले चटनी का टेस्ट। कभी आप ट्रैवल करते हो, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आप ये चटनी तैयार करके रख सकते हैं, फिर पराठा वगैरह बना लीजिए, अच्छा भी लगेगा। मूली का पराठा, मेथी का, आलू का, कोई भी पराठा आप
खा सकते हैं, टेस्टी लगेगा, चपाती के साथ भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा मेरा चटनी बनाने का तरीका आप लोगों को। ओके, और सारी चीज़ें रोस्ट हो चुकी हैं तो अब मैं इसे थोड़ा ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी तवे पे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसको पीस लूँगी। देखिए चटनी मैंने पीस दिया है और कुछ इस तरीके का हो गया। मैंने पतला नहीं बनाया है, गाढ़ा ही रखा है, थिक रखा है चटनी का पेस्ट। मुझे और पतिदेव को दोनों को ही थिक वाला चटनी पसंद आता है, पतला वाला नहीं। तो खा के देखिएगा और यकीन मानिए आप लोगों को पसंद आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर में। और ये देखिए कितना सारा क्वांटिटी, ये वाला जो बॉक्स है ये स्विगी से हमने कभी खाना ऑर्डर किया था तो उसका ही ये बॉक्स है, तो मैंने इसमें स्टोर करके रख दिया है। कोशिश कीजिए जो एयर टाइट डब्बा है उसमें चटनी को स्टोर करके रखें, इससे बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। अब मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करने वाली हूँ रिफाइंड ऑयल ऊपर से। ये देखिए इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल रखा है। ये वाला जो ऑयल है इस डब्बे का मैं यूज़ करती हूँ पराठा वगैरह बनाने के टाइम पर। और ये विम लिक्विड का डब्बा है, आप नोटिस कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से मैंने वॉश करके इसमें रिफाइंड ऑयल फिल कर लिया है, जिससे कभी पराठा वगैरह बनाना हो तो ईज़िली जो है वो मैं निकाल सकती हूँ और ज़्यादा ऑयल भी वेस्ट नहीं होगा और पराठे में भी ज़्यादा तेल नहीं लगेगा। तो इस तरीके से कुछ कुछ किचन टिप्स जो है मैं फॉलो करते रहती हूँ। तो बताइएगा मेरा आइडिया आप लोगों को कैसा लगा। इस तरीके से मैंने ये प्लास्टिक वाला स्पून भी इसमें रख दिया है, ठीक है, क्योंकि आंवला खट्टा होता है और स्टील का जो स्पून है उसके साथ रिएक्शन भी हो सकता है। तो जो भी खटाई वाली चीज़ें हैं उसमें प्लास्टिक या कांच की यूटेंसिल्स यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और इस तरीके से मैंने स्टोर कर लिया, अब मैं इसका कैप लगा के इसे फ्रिज में रखूँगी। और ये है पार्टी ट्रीट, भैया भाभी की एनिवर्सरी थी तो मेरी पार्टी पेंडिंग थी तो ये ऑर्डर आया है, भैया ने ऑर्डर किया है। और मैंने मंगाया है मुर्ग मसल्लम और गार्लिक नान, और कॉम्बो में था तंदूरी चिकन, क्योंकि बहुत पसंद है मुझे मुर्ग मसल्लम, मेरा फेवरेट चिकन डिश है और बहुत टेस्टी लगता है। छत से कपड़े लेके आई हूँ और जा रही हूँ फोल्ड करने। एक्चुअली ये वाला जो गाउन है ये मैंने शादी पे पहना था, इसे मैंने वॉश नहीं कराया है क्योंकि दो ही बार पहना है, तो धूप थोड़ा धूप में डाल दिया था मैंने ताकि स्वेट वगैरह होता है तो वो सही रहे और कपड़ा ख़राब नहीं होता है। तो मैं जो भी एक्सपेंसिव ड्रेस पहनती हूँ उसे थोड़ा धूप में डाल देती हूँ फिर ही मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ। तो अभी जा रही हूँ सारे ड्रेसेस फ़ोल्ड करने। और रोहित जी घर पे रहते हैं ना अभी, जैसे वर्क फ्रॉम होम है तो उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ खाने को चाहिए रहता है, तो मैंने ये चीज़ ये तैयार किया है। मूंगफली है और मखाना है, इसका बिल्कुल हल्का मसाला देकर मैंने इसे इसका भूजा बनाया है, हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं, या फिर इसे अब मैं क्या करूँगी जैसे ठंडा हो जाएगा फिर पैक कर दूँगी। पुणे में मखाना बहुत ही कॉस्टली मिलता है, ये देखिए 100 ग्राम का प्राइस है 106 रुपीज़। ये डीमार्ट गई थी ना तो तब लेकर आई थी और हमारे साइड बहुत सस्ता रहता है, हमारे साइड 250 रुपये किलो मिलता है मखाना। और ये इस तरीके से मैंने डब्बे में पैक कर दिया है ठंडा होने के बाद, तो इससे क्या है कि इनको जब भी भूख लगे ये खा सकते हैं, हेल्दी है, बिल्कुल कम ऑयल में मैंने फ्राई किया है इसे। और फिर शाम को हम लोग गए सब्जी लाने के लिए, मैं और मेरी फ्रेंड, और जैसे मैं पार्किंग में आई ये देखिए क्या हो रहा है, चूहा महाराज जो है पता नहीं क्या खा रहा है, गैस मैदा या आटा गिरा होगा तो खा रहे हैं। और मैं तब से इनको भगाने की कोशिश कर रही हूँ, ये हिल ही नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया, ऐसा लग रहा है बोझ मिला इन्हें, हिलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये देखिए अभी भगाना शुरू किया है तो ये टायर के पीछे आके छुप गए हैं, तब से इनको भगाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहाँ से मैं गाड़ी निकाल ही नहीं सकती, निकालूंगी तो ये दब जाएंगे और मैं पाप नहीं ले सकती हूँ अपने ऊपर। ये देखिए
अभी सोनल आई है तो इनको भगाने की कोशिश कर रही है। फाइनली सोनल ने मूषक महाराज को भगा दिया और ये देखिए अभी यहाँ पे ये घूम रहे हैं। तो हम लोग आए हैं सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए, अचानक से प्लान हो गया, सोनल का सब्जी ख़त्म हो गया था, है कि नहीं? हाँ, तो ये है मेरी दोस्त, नए शहर में नई दोस्त, और ये हमारे साइड की ही है, झारखंड। हाँ, झारखंड। तो अब दिखाती हूँ सब्जी मंडी का नज़ारा। ये है पूरा सब्जी मार्केट, तो लेते हैं सब्जी। फिर हम लोग सब्जी खरीदने आए थे, दीदी स्कूटी भी चला रही है, फिर हम लोग अब घर पर जा रहे हैं। हमने बहुत सारा सब्जी खरीद ली है, गाड़ी रोकेंगे तब 5-6 रुपये का सब्जी खरीद ली है। गाड़ी रोकेंगे तब दिखाएंगे। हाँ, जब गाड़ी रोकेंगे फिर दिखाएंगे हम लोग कितना सब्जी खरीदे। ऐसे ही एक लड़की आई, इसे प्रैंक करके चली गई, हमको पता नहीं चला। जब देखिए फॉल बहुत अच्छे से भैया लगाए हैं, बहुत अच्छा ही लग रहा है, बहुत सुंदर लगाए हैं फॉल। साड़ी कैसी लग रही है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत सुंदर है साड़ी आपकी दीदी। हाँ, एक ही थी और बैग ले रही है भैया। अगर आप यहाँ पे फॉल लगवाना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं और सिलते हैं भैया। फॉल पिको देखिए, फॉल पिको ब्लाउज बनाने के नहीं दिए, एक बहुत ही सुंदर ब्लाउज बनाए हैं। तो ये बन जाएगा ब्लाउज का कपड़ा, हाफ है ब्लाउज, मैं देखा नहीं, बहुत ही सुंदर खूबसूरत है ये। कैसे निकाले देख सकते हैं, वो टेढ़ा था इसके लिए निकाला गया। खूबसूरत ब्लाउज है सर, इसका ब्लाउज का कपड़ा मेरे पास है सर, बहुत ही खूबसूरत, अच्छा ना बॉर्डर में आ जाए। अगर आप लेना चाहते हैं बॉर्डर का ब्लाउज का बनेगा तो और ये कर सकते हैं। कैसी लगी साड़ी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जरूर याद करें।